मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के शपथ ग्रहण के बाद बैठन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। फिर भाजपा सरकार बनने पर जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशी में भाजपा कार्यालय बैठन में जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता सहित पार्टी कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार जताते हुए सभी को बधाई दी। राम सुमिरन गुप्ता ने सभी बड़े नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली जिले में हमारी तीनों विधानसभा से प्रचंड बहुमत किए हुए हैं और जिस तरह से हमारे तीनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते हुए हैं, दूसरी बात मध्य प्रदेश में हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे यादव जी जिस तरह से मुख्यमंत्री की कल शपथ लेने वाले हैं और हमारे इस संभाग के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं सम्मानित शुक्ला जी, हमारे राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम बने हैं, उसके उपलक्ष में हमारे बिंद के गौरव हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने रीवा का विकास किया है, जिस तरह से हमारे लाडले हमारे बिंद के नेता, हमारे रीवा संभाग के वरिष्ठ नेता आदि राजेंद्र शुक्ला जी हमारे ज़िले के वो प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए हम सभी लोगों ने आज हमारे कार्यकर्ताओं ने आज निष्ठान वितरण किया है, खुशी जाहिर की है और जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो वादा किया है सर्व समाज के लिए, सबके कल्याण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, निश्चित ही जो विकास जो बचे हुए हमारे मध्य प्रदेश में है, हमारे सिंगरौली ज़िले में है, माननीय हमारे मोहन यादव जी हमारे जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे जो डिप्टी सीएम हमारे मध्य प्रदेश के बने हैं, निश्चित ही सब लोग मिल करके और हमारे सिंगरौली ज़िले का निरंतर जो विकास की गति चल रही है उसको गति देने का प्रयास करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता आज इकट्ठा होकर के खुशी का इजहार कर रहे हैं। भाजपा नेता मधु झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने जो कार्य किया और अंत में शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहन योजना लाई उससे हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि भाजपा की प्रचंड जीत होगी। मध्य प्रदेश में हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इतने जनहिताय जन सुखाय कार्यक्रम हुआ था और लास्ट में जो उन्होंने लाडली बहना किया इससे तो हम लोग निश्चित हो गए थे कि हम लोग की जीत निश्चित होगी और इतने प्रचंड रूप से होगा, ये तो एक बहुत ही खुशी की बात है। और सदैव इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए सभी वर्गों के लिए इतना काम किया था कि सभी लोग आश्वस्त थे कि जीतेंगे हम जरूर और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और हम आज हमारे बीच में मोहन यादव जी को अपना मुख्यमंत्री पा करके एक नई गति की आशा की किरणों का ध्यान नज़र में आ रही है कि आने वाला समय हमारा और भी उज्ज्वल होगा और सिंगरौली क्या पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सब खुशी रहें, सब निरोग रहें, इसी आशा और विश्वास पर आज तक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय नेतृत्व की समिति और जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के नए सीएम आदरणीय मोहन यादव जी बने हैं और साथ ही हमारे डिप्टी सीएम जो कि राजेंद्र शुक्ला जी और आदरणीय देवड़ा साहब, आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे इस बैठन मंडल के तरफ से मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। चूँकि आने वाले कल में हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कही जाती है, यही कार्यकर्ता हमारे 2024 में भी हमारे मध्य प्रदेश में 29 जो सीट सांसद के हैं उसको जीत करके आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सभी लोग जीत करके आएंगे। अभी तो बहुत खुशी है, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह साहब थे, उन्होंने लगातार योजनाओं का जाल बिछाया, इसको और आगे बढ़ाने में हमारे आदरणीय मोहन यादव जी होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।